हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू बेसिक नॉलेज पार्ट 14। चलिए आज के हमारे पार्ट में 14 पार्ट में हम आपको दो क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज के देने वाले हैं, जिसमें है पहला क्वेश्चन हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स कितना कितने। यूनियन टेरिटोरियस, यूनियन टेरिटोरियस का मीन्स होता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। यूनियन टेरिटोरीज मैं आपको बता रही थी, समझा रही थी, तो यूनियन टेरिटोरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, यस, केंद्र मतलब ये खुद से, इनके खुद मतलब इनके कोई कैपिटल मतलब वो चीज़ें होती हैं ये, कि जो खुद से ही अपना काम खुद करते हैं, ये किसी राज्य से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये अपने आप में ये अपनी एक स्टेट होती है। तो हाउ मैनी यूनियन टेरिटोरीज कितने होते हैं इन इंडिया में, यानी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देयर आर 9 यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया। यस, भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या क्या नाम है उनके, नाम देखेंगे। राइट द नेम ऑफ यूनियन टेरिटोरीज, तो नाम नेम लर्न करेंगे हम। पहला है अंडमान एंड निकोबार क्या है आपका यूनियन टेरिटोरीज। नेक्स्ट चंडीगढ़। थर्ड दमन एंड दीव। फिर दादर एंड नागर हवेली। नेक्स्ट दिल्ली या दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। 7 लद्दाख। 8 लक्षद्वीप। 9 पौंडीचेरी। इस तरीके से आपके 9 वो यूनियन टेरिटोरीज के नेम मैंने आपको आज लर्न कराए। आप भी लर्न करके और मैम को राइट करके दिखाना। ओके, थैंक यू।